गुड आफ्टरनून बीबीए, गुड मॉर्निंग बीबीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट। आज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के यूनिट फर्स्ट का हम एक टॉपिक ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनके लिए न्यू आइडियाज़ के और सोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर का जो आइडिया होता है वो फिजिबल होता है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होता है और एक्सेप्टेबल होता है और सोशली एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि आइडिया जो होते हैं वो प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट से संबंधित होते हैं जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। कस्टमर्स पहला सोर्स है जिससे आइडिया जनरेट होता है, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं वो एक एंटरप्रेन्योर को बताते हैं कि उनकी बदलती हुई नीड्स क्या है, वॉन्ट्स क्या है, डिजायर्स क्या है, फैशन क्या है, हैबिट्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, टेस्ट क्या है। अगर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से कॉन्टेक्ट किया जाता है तो वो बताते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विस जो ऑफर हो रही है उसके अंदर और क्या फीचर्स ऐड किए जाने चाहिए। तो कस्टमर का जो अटेंशन होता है वो पोटेंशियल आइडिया जनरेट करने में बहुत हेल्प करता है। सेकंड जो सोर्स होता है वो होता है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं वो न्यू आइडिया के एक सक्सेसफुल सोर्स होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का अगर एनालिसिस किया जाता है तो फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का एक आइडिया एंटरप्रेन्योर को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ये तीसरा सोर्स है। इसका मतलब ये है कि मिडलमैन जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जो मेंबर होते हैं वो गुड बिजनेस आइडिया जनरेट करते हैं, और ये जो मिडलमैन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर है न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विस के लिए तो आइडिया देते ही हैं, साथ में एंटरप्रेन्योर का जो न्यूली डेवलप प्रोडक्ट होता है उसके मार्केटिंग का आइडिया भी देते हैं। गवर्नमेंट भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। गवर्नमेंट एक इम्पोर्टेंट सोर्स है न्यू आइडिया जनरेशन के लिए। पेटेंट ऑफिस होता है, उसमें कई तरह की फाइल्स होती हैं जिसमें प्रोडक्ट पॉसिबिलिटीज होती है। उन फाइल्स को अगर ट्रेस किया जाए तो प्रोडक्ट जनरेशन का आइडिया मिलता है। और सेकंड जो है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को अगर स्टडी किया जाए तो न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट का, न्यू प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया मिलता है। और आज के तारीख में गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस आइडिया इवेल्यूट करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए कई तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलपमेंट एजेंसी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट एजेंसीज जो हैं वो न्यू रेडी प्रोजेक्ट्स एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड करवाते हैं और सजेशंस भी प्रोवाइड कराते हैं, प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट्स के संबंध में न्यू आइडियाज जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर को मिलते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करता है वो न्यू आइडियाज़ के सोर्स का सबसे बड़ा सोर्स है। इसमें क्या होता है कि करंट जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होता है उसको रिवाइव किया जाता है और इनफॉर्मल लेबोरेटरी को प्राइवेट प्रमाइज के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है। ट्रेड शो फेयर्स एंड एग्जीबिशन, ट्रेड शो फेयर एंड एग्जीबिशंस के अंदर कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो होते हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं। वहाँ से एंटरप्रेन्योर को न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक आइडिया जनरेट होता है और एंटरप्रेन्योर आइडियाज लेकर के अपने यहाँ पे अडेप्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, सर्विसेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट नए सर्विसेज को जनरेट कर सकते हैं घरेलू रॉ मटेरियल का यूज करके। नेक्स्ट है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप भी प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन जो होता है उसका एक बहुत अच्छा गुड सोर्स है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड जो होता है इसमें न्यू प्रोडक्ट आइडिया जनरेट होता है। ये इस बात पे बेस्ड होता है कि पीपल कैन बी स्टिमुलेटेड टू ग्रेटर क्रिएटिविटी बाय मीटिंग विद अदर्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्सपीरियंस। कलेक्टिव नोटबुक मेथड, इस मेथड के अंदर एक स्मॉल नोटबुक जो होती है जिसमें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट होता है, ब्लैंक पेजेस होते हैं, बैकग्राउंड आइडिया होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं
उसके पॉसिबल सॉल्यूशन निकालते हैं, आइडियाज रिकॉर्ड करते हैं और उनमें से एटलीस्ट वंस जो होता है वो उन्हें आइडियाज रिकॉर्ड करते हैं और दिन में 3 बार करते हैं। महीने भर तक ये एक्टिविटी चलती रहती है और लिस्ट ऑफ बेस्ट आइडिया जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। चेकलिस्ट मेथड, चेकलिस्ट मेथड का मतलब ये है कि न्यू आइडिया जो होता है वो लॉट ऑफ रिलेटेड इश्यूज एंड सजेशंस के द्वारा डेवलप होता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस को यूज कर सकता है, स्टेटमेंट को यूज कर सकता है न्यू आइडिया के जनरेशन के लिए। चेकलिस्ट जो होती है वो कितनी भी लंबी हो सकती है और उसमें कई तरह के क्वेश्चंस जो होता है एंटरप्रेन्योर डाल सकता है। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बहुत सारे वर्ड्स के साथ, मॉडिफाई, न्यू टेस्ट, अदर चेंज, ऑर्डर फॉर्म, मैग्नीफाई, डुप्लीकेट, मल्टीप्लाई, प्लस इंग्रेडिएंट, मिनीफाई, शॉर्टर, लॉन्गर, लोअर, ओमीट, स्ट्रीमलाइन, स्प्लिट अप, अंडरस्टैंड एक्सेट्रा। इस तरह की चेकलिस्ट में कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। साइनेटिक्स मेथड, साइनेटिक्स एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिससे आइडिया जनरेट होता है। इसमें इंडिविजुअल्स को मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी दी गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो उसमें जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो 4 तरह के मैकेनिज्म से करते हैं। पर्सनल मैकेनिज्म, एक डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है, सिंबॉलिक मैकेनिज्म होता है, फैंटेसी मैकेनिज्म होता है। ये 2-स्टेप प्रोसेस है। ड्रीम अप्रोच, ड्रीम अप्रोच का मतलब ये होता है एंटरप्रेन्योर जो कोई ड्रीम देखता है कि कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी वो ड्रीम में आइडेंटिफाई करता है और उस तरह से न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, न्यू इनोवेशंस के लिए उसको न्यू प्रोजेक्ट के लिए आइडिया जनरेट होते हैं। जो सभी पॉसिबिलिटीज होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है और इन्वेस्टिगेट किया जाता है और नेगेटिविटीज जो होती है इन्वॉल्व होती है उनको हटा दिया जाता है। आइडिया कंसेप्चुअलाइज किया जाता है। मार्केट गैप एनालिसिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे अनकवर मार्केट जो होता है उसके अंदर जो कस्टमर की नीड्स और वॉन्ट्स होती है उसका एनालिसिस किया जाता है अनकवर मार्केट में। उससे एक पोटेंशियल प्रोडक्ट सर्विस का आइडिया जनरेट होता है। इसके बाद है लाइफ स्टाइल एनालिसिस मेथड। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को एनालिसिस करके प्रोडक्ट सर्विस आइडियाज को भी जनरेट कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल है क्या? ये एक पर्सन का जीने का तरीका है और जो उसके साइकोग्राफिक्स के अंदर एक्सप्रेस होता है। थैंक्स।